ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य। आयुर्वेद में पंच महाभूत सिद्धांत। आकाश तत्व यानी कि स्पेस, वायु यानी कि एयर, अग्नि यानी कि फायर, जल यानी कि वाटर तथा पृथ्वी यानी कि अर्थ, ये पंच महाभूत माने गए हैं जिनसे सृष्टि का प्रत्यक्ष पदार्थ बना है। आधुनिक विज्ञान ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग की थियोरी को हमारे समक्ष रखा, जिसमें समूचे यूनिवर्स की उत्पत्ति एक महाविस्फोट से हुई है ऐसा बताया गया और कहा है कि यह समूचा ब्रह्मांड तब से विस्तृत हो रहा है, साथ में 114 एलिमेंट यानी कि मूल तत्व खोजे गए हैं जिससे यह समग्र विश्व बना है। इसमें एटम थियोरी भी शामिल है। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र ने भी सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे समक्ष रखी है। इसमें खास करके सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति सुश्रुत संहिता मतानुसार, जिन्होंने सांख्य मत का अनुसरण किया है। कहा गया है कि अव्यक्त से महान, महान से अहंकार उत्पन्न हुआ और अहंकार से सत्व राजस तमस उत्पन्न हुआ है। सत्व और रजोगुण मिलके एकादश इंद्रिया यानी कि पांच ज्ञानेन्द्रिय, श्रोत्र, तव, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, पांच कर्मेंद्रिया यानी वाक, हस्त, उपस्थ, पायु, पाद और ग्यारहवां मन उत्पन्न हुए। रजोगुण और तमोगुण से पंच तन्मात्रा यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की उत्पत्ति मानी गई है। फिर इन पंच तन मात्रा से उत्पन्न हुआ पंच महाभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। चरक संहिता अनुसार उत्पत्ति क्रम से इस प्रकार है। अव्यक्त से महान यानी बुद्धि तत्व उत्पत्ति हुई, महान से अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार से पंच तन्मात्रा उत्पन्न हुई, पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत उत्पन्न हुआ और पंच महाभूत से हमारा शरीर और समूचा ब्रह्मांड बना। तभी तो शास्त्र कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड या सृष्टि में हो रहा है वैसे का वैसा ही हमारे शरीर में होता है। आगे विस्तार से जाने तो प्राचीन समय से ही विद्वानों का मत रहा है कि इस सृष्टि की संरचना पांच तत्वों से मिलकर हुई है। सृष्टि में इस पंच तत्वों का संतुलन बना हुआ है। यदि यह संतुलन बिगड़ गया तो यह प्रलयकारी हो सकता है। जैसे यदि प्राकृतिक रूप से जल तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है तो पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल हो सकता है, अथवा बाढ़ आदि का प्रकोप अत्यधिक हो सकता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंच तत्व का नाम दिया गया है। माना जाता है कि मानव शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है। वास्तविकता में यह पंच तत्व मानव की पांच इंद्रियों से संबंधित है। जीभ, नाक, कान, त्वचा और आंखें हमारी पांच इंद्रिय का काम करती है। इन पंच तत्वों का पंच महाभूत भी कहा गया है। इन पांचों तत्वों के स्वामी ग्रह, करणीय संबंध, अधिकार क्षेत्र आदि भी निर्धारित किए गए हैं। आइए इनके विषय में जानने का प्रयास करें। पहला तत्व आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व का स्वामी ग्रह गुरु है। आकाश एक ऐसा क्षेत्र है जिसका कोई सीमा नहीं है। इस तत्व का करणीय संबंध शब्द है। इसके अधिकार क्षेत्र में आशा तथा उत्साह आदि आते हैं। वात तथा कफ इसकी धातु है। वास्तुशास्त्र में आकाश शब्द का अर्थ रिक्त स्थान माना गया है। आकाश का विशेष गुण शब्द है और इस शब्द का संबंध हमारे कानों से है। कानों से हम सुनते हैं और आकाश का स्वामी ग्रह गुरु है। शब्द जब हमारे कानों तक पहुंचते हैं तभी उनका कुछ अर्थ निकलता है। वेद तथा पुराणों में शब्द, अक्षर तथा नाद को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। वास्तव में आकाश में होने वाली गतिविधियां से गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, उष्मा, चुंबकीय क्षेत्र और प्रभाव तरंगों में परिवर्तित होता है। इस परिवर्तन का प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए आकाश कहे या अवकाश कहे,
या रिक्त स्थान कहे, हमें इसके महत्व को कभी भूलना नहीं चाहिए। वायु यानी कि एयर, ऑक्सीजन, वायु तत्व के सामी ग्रह शनि है। इस तत्व का करणीय संबंध स्पर्श है। इसके अधिकार क्षेत्र में श्वास की क्रिया आती है। वात इस तत्व की धातु है। यह धरती चारों ओर से वायु से घिरी हुई है। संभव है कि वायु अथवा वात का आवरण ही बाद में वातावरण कहलाया है। वायु में मानव को जीवित रखने वाली ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। जीने और जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। इसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि हमारे मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती तो हमारी बहुत सी कोशिकाएं नष्ट हो सकती है। व्यक्ति को अपंग अथवा बुद्धि से जड़ हो सकता है। प्राचीन समय से ही विद्वानों ने वायु के दो गुण माने हैं। वह है शब्द तथा स्पर्श। स्पर्श का संबंध त्वचा से माना गया है। संवेदनशील नाड़ी तंत्र और मनुष्य की चेतना श्वास प्रक्रिया से जुड़ी हुई है और इसका आधार वायु है। अग्नि फायर यानी कि तेज तत्व। सूर्य तथा मंगल अग्नि प्रधान ग्रह होने से अग्नि तत्व के स्वामी ग्रह माने गए। अग्नि का करणीय संबंध रूप है। इसका अधिकार क्षेत्र जीवन शक्ति है। इस तत्व की धातु पित है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य की अग्नि से ही धरती पर जीवन संभव है। यदि सूर्य नहीं होगा तो चारों ओर सिवाय अंधकार से कुछ नहीं होगा। मानव जीवन की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सूर्य पर जलने वाली अग्नि सभी ग्रहों को ऊर्जा तथा प्रकाश देती है। इस अग्नि के प्रभाव से ही पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के जीवन के अनुकूल परिस्थितियां बनती है। शब्द तथा स्पर्श के साथ साथ रूप को भी अग्नि का गुण माना जाता है। रूप का संबंध नेत्रों से माना गया है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत अग्नि तत्व है। सभी प्रकार की ऊर्जा, चाहे वह सौर ऊर्जा हो या आणविक ऊर्जा हो या उष्मा ऊर्जा हो, सभी का आधार अग्नि ही है। जल वॉटर, चंद्र तथा शुक्र दोनों को ही जल तत्व का ग्रह माना गया है। इसलिए जल तत्व के स्वामी ग्रह चंद्र तथा शुक्र दोनों ही है। इस तत्व का करणीय संबंध रस को माना गया है। इन दोनों का अधिकार रुधिर अथवा रक्त पर माना गया है, क्योंकि जल तरल होता है और रक्त भी तरल होता है। कफ धातु इस तत्व के अंतर्गत आती है। विद्वानों ने जल के चार गुण शब्द स्पर्श रूप तथा रस माने हैं। यह रस का अर्थ स्वाद से है। स्वाद या रस का संबंध हमारी जीभ से है। पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जल स्रोत जल तत्व के अधीन आते हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। जल तथा जल की तरंगों का उपयोग विद्युतीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। हम यह भी बड़ी भांति जानते हैं कि विश्व की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई। पृथ्वी यानी कि अर्थ, पृथ्वी का स्वामी ग्रह बुध है। इस तत्व का करणीय संबंध गंध है। इस तत्व के अधिकार क्षेत्र में हड्डी तथा मांस आते हैं। इस तत्व के अंतर्गत आने वाली धातु वात पित्त तथा कफ तीनों ही आती है। विद्वानों के मतानुसार पृथ्वी एक विशाल काय चुंबक है। इस चुंबक का दक्षिण सिरा भौगोलिक उत्तर ध्रुव में स्थित है। संभव है इसी कारण दिशा सूचक चुंबक का उत्तरीय ध्रुव सदा उत्तर दिशा का ही संकेत देता है। हो सकता है इसी कारण दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है। पृथ्वी अथवा भूमि के पांच गुण बताए गए हैं, शब्द स्पर्श रूप स्वाद तथा आकार माने गए हैं। आकार तथा भार के साथ गंध भी पृथ्वी का विशिष्ट गुण है, क्योंकि इसका संबंध नासिका की प्राण शक्ति से। उपरोक्त विशेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि पंच तत्व मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। उनके बिना मानव तो क्या धरती पर रहने वाले किसी भी जीव के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इन पांच तत्वों का प्रभाव मानव के कर्म, प्रारब्ध, भाग्य तथा आचरण पर भी पूरा पड़ता है। जल यदि सुख प्रदान करता है तो संबंधों की उष्मा सुख को बढ़ाने का भी काम करती है, और वायु शरीर में
प्राणवायु बनकर घूमती रहती। आकाश महत्वाकांक्षा जगाता है तो पृथ्वी सहनशीलता व यथार्थ का पाठ सिखाती है। यदि देह में अग्नि तत्व बढ़ता है तो जल की मात्रा बढ़ाने से उसे संतुलित किया जा सकता है। यदि वायु दोष है तो आकाश तत्व को बढ़ाने से यह संतुलित रहेंगे। आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है, ऐसा तैतरीय उपनिषद में कहा गया है। जल तत्व, जल से ही जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है। हमारे शरीर में लगभग 70% जल विद्यमान है। उसी तरह जिस तरह की धरती पर जल विद्यमान है, जितने भी तरल तत्व जो शरीर और इस धरती से बह रहे हैं वो सब जल तत्व ही है। चाहे वो पानी हो, खून हो, वसा हो, शरीर में बनने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम्स, अग्नि तत्व, अग्नि से जल की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। इस अग्नि के कारण ही हमारे शरीर चलायमान है। अग्नि तत्व ऊर्जा, उष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी भी गर्माहट है वो सब अग्नि तत्व ही है। यही अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को निरोग रखता है। ये तत्व ही शरीर को बल और शक्ति प्रदान करता है। वायु तत्व, वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में वायु प्राण के रूप में विद्यमान है। शरीर से वायु के बाहर निकल जाने से प्राण भी निकल जाते हैं। जितना भी प्राण है वो सब वायु तत्व है। धरती भी श्वास ले रही है। वायु ही हमारी आयु भी है, जो हम सांस के रूप में हवा, ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हमारा होना निश्चित है, जिससे हमारा जीवन है। आकाश तत्व, आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु विद्यमान है। यही आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है। इस तत्व को महसूस करने के लिए साधना की जरूरत होती है। ये आकाश तत्व अभौतिक रूप में मन है। जैसे आकाश अनंत है वैसे ही मन की भी कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश में कभी बादल, कभी धूल और कभी बिल्कुल साफ होता है, वैसे ही मन में भी कभी सुख, कभी दुख और कभी तो बिल्कुल शांत रहता है। ये मन आकाश तत्व रूप है जो शरीर में विद्यमान है। इन पांच तत्वों से ऊपर एक तत्व है जो आत्मा है, जिसके होने से ही तत्व अपने काम करते हैं। इन्हीं पांच तत्वों को सामूहिक रूप से पंच तत्व कहा गया है। इनमें शरीर में एक भी न हो तो बाकी चारों भी नहीं रहते। किसी एक का बाहर निकल जाना ही मृत्यु है। आत्मा को प्रकट जगत में होने के लिए इन्हीं पंच तत्वों की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य इन पंच तत्वों के महत्व को समझकर इनका सम्मान और उनको पोषित करता है वही निरोगी रहकर दीर्घजीवी होता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह उत्तम शरीरा। इसके साथ अस्तु, जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।